Yes. First of all, Habsburg Empire. We have taken example of Habsburg Empire. क्या था बेटा हैब्सबर्ग एम्पायर? जैसे आप याद करते हो ना ऑटोमैन एम्पायर, ऑटोमैन एम्पायर के अंडर कौन से एरियाज थे? बाल्कन एरियाज थे। ऐसे ही आपको याद करना है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, हमने पूरे यूरोप में से एक एग्जाम्पल लिया है। उस एक एग्जाम्पल से हमने ये बताना है कि एट दैट टाइम पीपल ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या पीपल ऑफ वन कॉन्टिनेंट देवर हैविंग देयर डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, हमने यूरोप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिया ऑस्ट्रिया हंगरी, और उनका जो डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी का नाम क्या था? हैब्सबर्ग एम्पायर। जैसे जॉलवेरियन के क्वेश्चन आपको आए तो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर, ऐसे ही आपको अगर हैब्सबर्ग एम्पायर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज में कौन कौन सी लैंग्वेज थी। नंबर वन, डायनेस्टी का नाम क्या था? हैब्सबर्ग। जैसे बर्बन डायनेस्टी, ऐसे ही हैब्सबर्ग एम्पायर मीन्स हैब्सबर्ग डायनेस्टी। कंट्री का नाम, कंबाइन एरिया, कंबाइन एरिया क्या था? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ठीक है, अब हमने याद करना है कि ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में अलग अलग एरियाज में लैंग्वेज क्या थी। नंबर वन, एल्पाइन एरियाज। एल्पाइन एरियाज एल्प के आसपास, एल्प माउंटेन्स के आसपास, जैसे हिमालय, हिमालयन एरिया, ऐसे ही एल्पाइन एरियाज। एल्पाइन एरियाज जो थे यूरोप में ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के पास, इनकी जो मेन लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो इनकी जो मेन लैंग्वेज जो थी, दैट लैंग्वेज वॉज मेन आपने बताना है जर्मन। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर आपने याद करना है। अब आपने जब एल्पाइन लर्न करोगे ना तो एल्पाइन में बहुत से और भी एरियाज हैं, लाइक टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटन लैंड। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर कुछ एरियाज ऐसे थे जिन एरियाज में एल्पाइन एरियाज, एल्पाइन एरियाज मीन्स जो एल्प एरियाज के आसपास थे, एल्प माउंटेन्स के आसपास थे, इन एरियाज की लैंग्वेज क्या थी? जर्मन। तो अब आपको पता लग गया कि नंबर वन, यूरोप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद नंबर टू, फिर आपने सेकंड बताना है लोम्बार्डी एंड विनीशिया। लोम्बार्डी एंड विनीशिया, इन एरियाज में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या थी? इटली, इटालियन। ठीक है, थर्ड, ये आपको मैथ्स का कॉलम में भी आ सकता है। थर्ड, हंगरी। हंगरी की बात करें तो हंगरी में आधे से ज्यादा लोग बोलते थे मैग्यार। बच्चे मैग्यार क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेज। आपसे ये पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैग्यार क्या है? इट इज अ प्लेस और लैंग्वेज? लैंग्वेज। ठीक है, हंगरी में आधे से ज्यादा लोग बोलते थे मैग्यार, और बाकी लोग उनकी रीजनल डायलैक्ट, रीजनल डायलैक्ट का मतलब रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे हमारी कंट्री में कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, ये रीजनल डायलैक्ट्स हैं। तो ऐसे ही उनके एरियाज में भी कुछ रीजनल डायलैक्ट्स थी जो रीजन टू रीजन जो है वो चेंज होती जाती है। देन एक और आपने एरिया याद रखना है, गैलिशिया। गैलिशिया भी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, लेकिन यहाँ पे बोले जाने वाली लैंग्वेज क्या थी? पॉलिश। पोलैंड के लोग, उनकी लैंग्वेज क्या है? पॉलिश। तो अब आपको एरियाज और दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए उनकी लैंग्वेज। वंस अगेन आई विल स्पीक द एरियाज एंड यू विल स्पीक द लैंग्वेज। नंबर वन, एल्पाइन एरियाज जर्मन, लोम्बार्डी एंड विनीशिया इटालियन। ठीक है, थर्ड आपने बताना है हंगरी। हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मैग्यार, तो आप हंगरी को मैग्यार से भी मैच कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट इज गैलिशिया। गैलिशिया मैच विद पॉलिश। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता तो हमने इनकी लैंग्वेजेस बतानी थी, लेकिन अब हमने इसको मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग ऐसे लर्न करना है, और हमें पता होना चाहिए कि इन एरियाज की लैंग्वेजेस कौन सी। बच्चे आवाज नहीं आ बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ जी, वन थिंग वॉज कॉमन, चाहे उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, वो आपस में उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती थी। उनका किंग एक था, एम्पायर एक था, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती थी। बट वन थिंग वॉज कॉमन, दैट वॉज रिस्पेक्ट फॉर देयर किंग। इसका मतलब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले देखा जाए तो हर कंट्रीज में लोग अपने अपने किंग की रिस्पेक्ट करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन माना गया जिसमें लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने ही कंट्री में किंग के अगेंस्ट रेवोल्यूशन प्लान किया, और इसलिए हिस्ट्री में ये रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये है पूरा, जस्ट हमने एक फीचर बताया है कि यूरोप एट दैट टाइम वॉज नॉट अ नेशन स्टेट, इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ वन नेशन जैसे हमारा इंडिया नेशन है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में आपने कुछ कंट्रीज और कुछ लैंग्वेजेस, हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, कौन सा एग्जाम्पल? हैब्सबर्ग एम्पायर। और ये हैब्सबर्ग एम्पायर का एरिया कौन सा था? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड आ जाओ,
एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? पूरे यूरोप की बात की जाए तो बच्चे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एस्टेट सिस्टम तो पढ़ा ही, फर्स्ट में हमने पढ़ाया कि क्लर्जी सिस्टम होता था, सेकंड एस्टेट कंसिस्ट ऑफ नोबिलिटी, थर्ड कंसिस्ट ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। लेकिन जब हम पूरे यूरोप की बात करते हैं तो एस्टेट सिस्टम पूरे यूरोप में नहीं था, आपने रशिया भी पढ़ा है, लेकिन डिवीजन हर सोसाइटी में होती है रिच और पुअर के बीच में। जब हम पूरे यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप जो था एक तरफ थी एरिस्टोक्रेटिक पीपल, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड जो होते हैं सोसाइटी में। दूसरी तरफ एक तरफ एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत ज्यादा पुअर थे, पुअर में हम ले लेते हैं कॉमन पीपल। एरिस्टोक्रेटिक्स में हम नॉबल्स भी ले लेते हैं, नॉबल्स का मतलब क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते होंगे या जो किंग के बहुत क्लोज होते होंगे, सोसाइटी, क्योंकि हम अब सोशल फीचर पढ़ रहे हैं यूरोप का। एंड मोस्टली सिमरप्रीत कम है यहाँ पे, मोस्टली यूरोप की सभी कंट्रीज में उस टाइम पे हमें डायनेस्टिक सिस्टम होता था, किंगशिप होती थी, ठीक है। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेटिक पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी, एंड सेकेंड कॉमन पीपल एंड मिडल। आपने याद है फ्रांस में मिडिल क्लास पढ़ी थी, एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास इमर्ज कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट में हुई थी, सेकंड में हुई थी या थर्ड में से हुई थी? थर्ड में से, थर्ड स्टेट में से, वो लोग जो बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड थे, जो मेरिट के बेस पे आगे आना चाहते थे, देवर कॉल्ड एज मिडिल क्लास पीपल। ऐसे ही यूरोप के, पूरे यूरोप की बात करें तो एक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रिच लैंडलॉर्ड्स, नॉबल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दे होल्डेड मैक्सिमम लैंड, मेनली उस टाइम पीरियड में यूरोप में डायनेस्टी मोनार्की टाइम पीरियड में, एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता था, सम ऑफ द रिचर सेक्शन दे होल्डेड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड। एंड जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पीपल में फार्मर्स, बिजनेसमैन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, ठीक है, पॉपुलेशन इनकी ज्यादा होती थी लेकिन इनके पास लैंड कम होती थी। और ड्यूज किनको ज्यादा देने पड़ते थे, टैक्स किनको देने पड़ते थे, कम। ये जो फ्रांस की प्रॉब्लम थी, ये पूरे यूरोप की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो फ्रांस का मोनार्की सिस्टम में ड्रॉबैक्स थी, यही पूरे यूरोप में, ठीक है। इसमें हमने अब बताना है मिडिल क्लास, एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। कौन थे ये मिडिल क्लास? ऐसे लोग जो कॉमन पीपल, यानी कि वो कॉमन पीपल थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन ली, दे बिकेम रिच। अब उनके पास एजुकेशन भी थी, नॉलेज भी थी, फिलोसफर्स भी थे, ठीक है, उनके पास मनी भी थी, वो आगे आना चाहते थे, कुछ लोग नॉबल्स बनना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं थी। रीजन क्या था? क्योंकि उस टाइम पर में प्रिविलेजेस होते थे बाय बर्थ, सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप में और भी मोनार्की कंट्री जहाँ पे होती थी वहां पर ये सिस्टम होता। धीरे धीरे इस सिस्टम को दूर करने के लिए जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, और इन्हीं को ही क्या कहा गया, लिबरल्स। लिबरल्स, लिबरल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो डिमांड करते हैं, लिबर, लिबर का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। दीज पीपल डिमांडेड सम फ्रीडम्स, सम राइट्स टू बी गिवन टू देम, जो कि उनको मोनार्की के रहते नहीं मिल सकते थे, सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू चेंज द मोनार्की सिस्टम। और हर कंट्री में कहीं ना कहीं रिवोल्ट हुआ, किसी कंट्री ने रेवोल्यूशन प्लान किया, और इसका फर्स्ट इनिशिएटिव किस कंट्री ने लिया, फ्रांस। और फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशन, और बेस्टाइल स्टॉर्म करके वहां पे एस्टेट सिस्टम को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि हमने मेन यूरोप के सोशल फीचर पढ़ने हैं, और इसमें हमने मेन पूरे यूरोप के बारे में बताना है कि यूरोप में मोनार्की सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स होते। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक और क्या होता था, फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है कि किंग, अलग अलग कंट्रीज में किंग्स होते थे मोनार्की सिस्टम में, कुछ फ्यूडम्स को अपॉइंट किया जाता था, ये फ्यूडम्स जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये एक्सप्लॉयटिव इसलिए होता था क्योंकि फार्मर्स और जो भी पीजेंट्स होते थे उनसे जितनी उनकी अमाउंट थी टैक्स की, उसकी उससे ज्यादा ली जाती, और ये किनकी पॉकेट में जाता था प्रॉफिट, फ्यूडम्स। इसीलिए इस सिस्टम को, फ्यूडल सिस्टम को वर्स्ट सिस्टम कहा गया। और आपको पता है 1789 में सबसे पहले किसने इसको खत्म किया, फ्रांस ने, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फ्यूडलिज्म वॉज, नेपोलियन ने भी किया, लेकिन 1789 में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था, देन फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश, ठीक है। तो ये
सोशल फीचर है इसके यूरोप के, ये आपका है पेज नंबर 8। तो इसमें जस्ट बताया गया कि मिडिल क्लास में, अगर मैं आपसे जनरली ये पूछूं कि बेटा मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आए, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेटेड पीपल, जो लॉय प्रोफेशनल्स, लॉयर्स जो जॉब करते थे और वो मेरिट के बेस के ऊपर कॉमन से आगे ऊपर, यानी कि नोबल्स या किंगशिप या गवर्नमेंट के रोल में, यानी कि लेजिस्लेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस चाहते, जो कि आज के टाइम में पॉसिबल है लेकिन उस टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं था। आज के टाइम पीरियड में कॉमन पीपल सोच सकता है ऊपर हायर लेवल में जाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्शंस के बेसिस के ऊपर उसके पास राइट है, लेकिन उस टाइम पीरियड में इलेक्शन जैसा कोई भी मैकेनिज्म कंट्रीज में नहीं होता। तो ये है सोशल फीचर, ठीक है। अब आ जाओ इकोनॉमिक, जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं ना, तो इसमें लिबरल, इसी वर्ड को आगे हम लेते हैं लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल वर्ड जब नेशनलिज्म से जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि पहले ये जो मिडिल क्लास है ये लिबरल्स, यानी कि ऐसी थिंकिंग जिसमें लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और लिबरल का मतलब होता है, लिबरल्स मींस वो कुछ फ्रीडम चाहते हैं। किस तरह से फ्रीडम चाहते हैं, इसी को ही आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फ्रीडम, यानी कि यूरोप में उस टाइम पीरियड में अलग अलग कंट्रीज में लोग क्या फ्रीडम चाहते थे, नंबर 1 पॉलिटिकल, नंबर 2 इकोनॉमिक, नंबर 3 सोशल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी क्या कहती है, राइट टू वोट एंड वैल्यू शुड बी इक्वल, यानी कि हर पर्सन के पास राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो कॉमन है, चाहे मिडल है, चाहे वो क्या है एरिस्टोक्रेटिक का मतलब है रिच लैंडलॉर्ड्स। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बट दे डिमांडेड पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या कहती है, राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल, और पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या है, राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, एंड द वैल्यू ऑफ वोट शुड बी इक्वल। ये ना हो कि अगर ये वोट करे तो इनके वोट की वैल्यू डबल हो और ये वोट करे तो इनके वोट की वैल्यू सिंगल हो, ऐसी लिबर्टी देने का कोई फायदा नहीं होगा। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म या इकोनॉमिक लिबरल जो है वो क्या है। अब ये 3 वर्ड आपको याद रखना है, लिबरल, लिबरल का मतलब थिंकिंग, कि मैं लिबरल हूं, मेरी थिंकिंग लिबरल है, कि मैं फ्रीडम चाहती हूँ। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म क्या है, आइडियोलॉजी, यानी कि जो लोग इस थिंकिंग में विश्वास करते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम। लिबर वर्ड जो है वो लैटिन रूट वर्ड से बना है फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ये मेनली बिजनेसमैन के लिए मैटर करती है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मैटर करता है। जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो, लेकिन अगर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, गवर्नमेंट उनको ये बोलेगी कि हाँ जी आपने इतना परसेंट करना है, आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, उनको लॉस होगा। अगर बिजनेसमैन को लॉस होगा, मर्चेंट को लॉस होगा, तो वो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है, जो कंट्री, यानी कि कोई भी कंट्री ले लो, किसी भी कंट्री में पीपल दे डिमांडेड सम फ्रीडम्स। एक फ्रीडम आपने याद रखनी है, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। क्या आज के टाइम पीरियड में आपको इकोनॉमिक लिबर्टी है, कैसे है, यू कैन अप्लाई, यू कैन लीव योर कंट्री, आप किसी और कंट्री में जो है वो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रीडम, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ठीक है। एंड आज के टाइम पीरियड में आपके पास पूरी इकोनॉमिक लिबर्टी। हाँ, वो अलग बात है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा नहीं ला सकते, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। सपोज अगर आपको वहां से डॉलर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है। और या फिर अगर सपोज आप बाहर की कंट्री से अगर कुछ परसेंट गोल्ड उससे ज्यादा ला रहे हो, तो यू हैव टू पे ड्यूटी। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा मैटर है, ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल हैं, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, यू कैन बी अरेस्टेड। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फॉर लीगल पर्पस, नॉट फॉर इलीगल आइटम्स, ठीक है। लीगल पर्पस का मतलब होता है कि यू शुड बी फ्री
कि अब बिजनेस के लिए हम कई बार कहते हैं ना कि हाँ जी आज हमारी लंदन मीटिंग है, आज हमारी इधर मीटिंग है, तो इट मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज ऑल्सो. डॉक्टर्स जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, तो सर्विसेज, इसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज. तो व्हाट इज इकोनॉमिक लिबर्टी, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एंड रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी देयर ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज. रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. ये मिली नहीं, दिस वॉज द डिमांड एट दैट टाइम व्हेन मोनार्की वॉज देयर. आज तो है, ये एक एक तरह से हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मोनार्की के अंडर थी, जो कंट्रीज 1848 से पहले जिन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम था, उनकी कंट्रीज में ये डिमांड रखी थी, और शायद उन लोगों ने डिमांड रखी, तो आज के टाइम पीरियड में मोनार्की सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस में. ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल. सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी. देखा जाए इक्वालिटी दो सेंस में हम लेते हैं, मैन एंड वुमेन एंड रिच एंड पुअर. तो सोशल इक्वालिटी या सोशल लिबर्टी का मतलब क्या है, वुमेन दे डिमांडेड सफरेज, राइट टू वोट. उनके लिए सोशल लिबर्टी का मतलब क्या है, कि उनको सोशल जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए. दे शुड बी कंसिडर्ड इक्वल एज मैन, एंड वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिमूव. यानी कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको रिमूव कर दे, ताकि जो कॉमन पीपल है उनके पास भी वही राइट हो जो जिनके पास एरिस्टोक्रेटिक के पास है. तो ये पूरा लिबरल नेशनलिज्म जो है, इसको जब हम कंबाइन करते हैं, तो ये एक नया कंसेप्ट जो है 18th सेंचुरी में आया, और जिसके कारण लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, एंड उन्होंने धीरे धीरे अपनी कंट्री में कुछ ऐसी डिमांड रखी. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहती है, कि किंग से पावर लेकर उसको थ्री ऑर्गन्स में क्या कर दो, डिवाइड, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. थर्ड, फ्रीडम ऑफ प्रेस. फोर्थ, सेंसरशिप शुड बी अबॉलिश, स्लेवरी शुड बी अबॉलिश. तो मैं जितनी बातें कर रही हूँ सारी जो है वो मोनार्की सिस्टम की ड्रॉबैक है. इंटरफेरेंस ऑफ चर्च शुड बी रिड्यूस, यानी कि चर्च की इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए. तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म, कुछ लोग जिनकी थिंकिंग चेंज हुई एंड दे ब्रॉट रेवोल्यूशन, ये लोग रेवोल्यूशन लेकर आए सोसाइटी में. और आगे जाकर ऐसे ही लोगों की थिंकिंग के कारण हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का सिनेरियो चेंज हुआ. ठीक है, ये था सारा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. एनी डाउट, राघव अरोड़ा, सक्षम एंड तृप्ति, राइट डाउन द नेम ऑफ दी स्टूडेंट्स. ये प्रेजेंट है बेटा, ऑनलाइन सिर्फ यही प्रेजेंट है आज. भूमिका, राघव अरोड़ा, सक्षम, तृप्ति, भूमिका. क्लियर? बच्चे आज आप आज की बात कर रहे हो ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड द टाइम पीरियड इज मोनार्की. एट दैट टाइम दीज काइंड ऑफ लिबर्टीज वर नॉट गिवन टू देम. तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एरियाज विच वी हैव लिमिटेड अकॉर्डिंग टू 18th सेंचुरी. हमने 18th सेंचुरी के अकॉर्डिंग बताना है कि उस टाइम पीरियड में लोगों की डिमांड क्या थी, हमने आज का नहीं बताना. आज तो फ्रीडम है, ये वो टाइम था जिस टाइम में फ्रीडम नहीं थी, एंड इसी के कारण कौन सी यूनियन बनी, कौन सी यूनियन बनी, जॉलवेरिन. विच यूनियन वॉज फॉर्म, जॉलवेरिन, ताकि इकोनॉमिक लिबर्टी प्रोवाइड की जाए. और ये जो है वो ईयर कौन सा ईयर माना जाता है, 1834. अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, दैट इज जॉलवेरिन. बिकॉज एट दैट टाइम रिस्ट्रिक्शंस वर देयर, देन मेनी कंट्रीज they took initiative to form a group, to form a union, so that unke jo barriers hain unko remove kar diya jaye. Barrier ka matlab kya hota hai, jab ek area se dusre area mein koi bhi aap things lekar jate ho to unko proper check kiya jata hai, aur number of items ke according aapko tax dena padta. To us time period mein bhi aisa hota tha. Ab Jolverin ka jo paragraph hai, us paragraph mein number of questions can be asked, lekin aapko sabse pehle pata hona chahiye what is the main difference between barrier and union. Because so many students they have ticked for Jolverin was a custom barrier. Barrier का मतलब क्या होता है, एक stoppage लगा दिया जाता है, एक आपको check post. Check post का मतलब suppose एक area से आप दूसरे area में जा रहे हो, आपका truck है उसमें सामान loaded है, barrier means आपको वहां पे रुकना पड़ेगा. You have to show permit. अगर आपके पास permission है only then you can enter into that particular area.
अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर. सेकेंड थिंग, पुराने उस टाइम पीरियड में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, नियर अबाउट 18th century, उस टाइम पीरियड में एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए करेंसी वाज टोटली चेंज. जैसे जर्मन कन्फेडरेशन की बात करें ना, टोटल 39 एरियाज थे एंड इन 39 एरियाज में हर एरिया से दूसरे एरिया में जाते ही करेंसी चेंज हो जाती थी और वेटिंग स्केल चेंज हो जाता था. तो किसको सबसे प्रॉब्लम आती होगी सबसे ज्यादा? बिजनेसमैन मर्चेंट्स को. क्लोथियर मर्चेंट जो होते थे या जो चीजें एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते थे, चीजों को वेट करना यानी कि मर्चेंट के लिए कितना मुश्किल होगा एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर. वेटिंग स्केल चेंज हो जाते थे, करेंसी चेंज हो जाती. तो दिस वाज, इसको हम कहेंगे ये इकोनॉमिक लिबर्टी थी? नो. सो एट दैट टाइम इसका इनिशिएटिव कौन सी कंट्री ने लिया? किसने लिया? प्रशिया. हु टुक इनिशिएटिव टू फॉर्म कस्टम यूनियन? प्रशिया. प्रशिया के जो किंग थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड ही कंबाइन सम ऑफ द एरियाज एंड ही रिड्यूस द करेंसीज. पहले कितनी करेंसीज थी? 30. और उन्होंने क्या किया, उन सभी करेंसीज को खत्म कर दिया और उन 30 में से सिर्फ कितनी सिलेक्ट की? ओनली 2. यानी अब ध्यान से सुनो, टोटल एरिया कितने? 39. करेंसीज कितनी रखी? 2. 39 एरियाज पे ये छोड़ दिया गया कि वो दो में से कौन सी करेंसी लेना चाहते, ताकि बिजनेस के या इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए किसी भी तरह से बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम ना हो. इसका बेस्ट एग्जांपल दिया गया है 11 कस्टम बैरियर्स. ये भी क्वेश्चन कई बच्चों का रॉन्ग था. 11 कस्टम बैरियर्स का मतलब क्या है कि एक एरिया से दूसरे एरिया और दूसरे एरिया में तीसरे एरिया, यानी कि जर्मन स्टेट्स में से ही किसी पर्सन का जो ट्रक है उसको 11 टाइम्स रोका जाता होगा और 11 टाइम्स उनको क्या पे करना पड़ता होगा? टैक्स पे करना पड़ता होगा. तो लॉस कितना होगा मर्चेंट्स को? और जितना मर्चेंट को लॉस होगा उतना वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पा, चीजों का भी रेट हाई होगा. तो इसको कंट्रोल करने के लिए जर्मन जो कन्फेडरेशन थी इसका इनिशिएटिव लिया प्रशिया ने और उन्होंने क्या किया, एक कस्टम यूनियन बनाई. बेटा ईयर याद रखो, 1834 में बनी थी कस्टम यूनियन. इसका नाम क्या था? जॉलवेरिन. व्हाट हैपेंड राघव सदाना, स्टैंड अप. व्हाई यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ ड्राइंग्स? क्लोज योर नोटबुक. हाँ जी, उसके बाद फ्रॉम वन एरिया टू अनदर क्लोथियर मर्चेंट दे हैव टू क्रॉस हाउ मेनी बॉर्डर्स, हाउ मेनी एरियाज? 11 कस्टम बैरियर्स, 11 कस्टम बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ते थे उनको. और एक पर्टिकुलर मेजरमेंट बताया गया है, क्लोथ का मेजरमेंट एले. एले जो था इसका जो सेंटीमीटर था वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग था. किसी जगह पे ये 54.7 सेंटीमीटर था, मेन्स में ये 55.1 था और न्यूरनबर्ग में ये 65.6 था. इसका मतलब क्या है कि क्लोथ को मेजर करने के लिए जो स्केल था वो भी डिफरेंट था. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल दोज हु वर डूइंग कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बिजनेस करते थे. इस सब ऑब्स्टेकल्स को रोकने के लिए 1834 में फर्स्ट टाइम मोनार्की सिस्टम के अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि इकोनॉमिक एक्सचेंज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए. और इस तरह से लोगों को काफी बेनिफिट मिला और उनको क्या मिली? इकोनॉमिक लिबर्टी. पॉलिटिकल लिबर्टी मिली तो सही, लेकिन मोनार्की अभी भी थी कंट्री में. राइट टू वोट मिला, लेकिन किनको मिला? सिर्फ मैन को. कौन सी कंट्री में सबसे पहले मिला? फ्रांस में. कब मिला? व्हेन पीपल वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव. सोशल लिबर्टी, क्या विमेन को पॉलिटिकल राइट्स मिले? कितनी लंबी वेट करनी पड़ी? फ्रांस की विमेन को सबसे कब मिला राइट टू वोट? 1946. इसका मतलब है यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में लिबर्टी या जो भी उनकी डिमांड्स थी उन डिमांड्स को पूरा करने में शायद बहुत टाइम लगा होगा. तो ये हम वो टाइम पढ़े, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड. ठीक है बेटा, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा?